ये एज एक कंफर्टेबल मेजोरिटी में परिणित हो जाएगा। आप देखिएगा एक आध घंटे के बाद जो है आप कांग्रेस को बहुत अच्छी स्थिति में देखेंगे और हम अधिकांश सीटों पर जो है जीत रहे हैं, आगे हैं, और जहां आगे नहीं है बिल्कुल कांटे की टक्कर पर है, एक दो का अंतर चल रहा है। राव जी ये बताइए कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था, आप मतलब हरीश रावत वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ा गया था, अब चुनाव परिणाम के बाद क्या होने जा रहा है? चुनाव परिणाम के बाद एक नई सुबह होगी और उस सुबह के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का आशीर्वाद जिसके साथ होगा हम सब उसके साथ खड़े होंगे। क्या ये माना जाए कि कैप्टन के तौर पे आपकी भूमिका नजर आएगी उत्तराखंड में? मैंने कहा कांग्रेस एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नई पारी के लिए जिसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष का आशीर्वाद होगा, जिसको उनका आदेश होगा, वो हम सब उसके साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो शुरू से दावे नजर आ रहे थे और जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया गया था, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं एग्जिट पोल भी एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, मगर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर आप जानते हैं भाजपा सब चीज़ों को टेम्पर्ड करती है, तो कौन सी चीज़ को कब टेम्पर्ड कर दे ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये उनके इरादे पर, जो भाजपा का इल मोटिव है, उस पर डिपेंड करता है। सर ये बताइए, पंजाब के प्रभारी रहे हैं आप काफी लंबे समय, पंजाब को किस तरह से? पंजाब में कांटे की टक्कर है, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस मेजोरिटी लाएगी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। बल्कि जितना मुझे उत्तराखंड में मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं पंजाब में भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस मेजोरिटी